दिसंबर 1993। आज सुबह 6:15 बजे थे। हर तरफ बादल ही बादल छाए हुए थे। बड़ी तेज हवाएं चल रही थी और जहाज बहुत ज्यादा हिचकोले खा रहा था। दूर दूर तक समंदर में सिर्फ समुद्री झागी नजर आ रही थी। आज 10 बजे इक्विटोरियल सेरेमनी भी हुई थी। आज एक आदमी किंग नेपच्यून बन के अपनी रानियों के साथ आया। उसकी रानियों ने बहुत कम कपड़े पहने हुए थे। हमको एक एक करके बुलाया गया और इक्वेटर क्रॉस करने के लिए सजा दी गई। सजा में स्विमिंग पूल में जंप कराया गया और साथ ही तेज मिर्ची का पानी भी पिलाया गया। पहुंचने के लिए अभी बहुत दिन बाकी हैं। यह है मेरी कहानी, जर्नी टू एंटार्क्टिका। Being in such lush green surroundings, it is very difficult to imagine a barren, rocky, icy, desolate place. But just a place like that is Antarctica. However, being an uninhabited land which is very inhospitable, it is still a place where a lot of people go to conduct scientific research. How many of us could even think of going to such a place? And even if we did think of it, how many of us would actually ever get a chance to be there? Today, we are going to talk to one such person who was a part of the 13th Indian expedition to Antarctica, Mr. O.P. Sharma. Namaskar, main O.P. Sharma. 1976 mein Survey of India mein surveyor ke roop mein bharti hua aur surveyor aur officer surveyor ke pad mein rehte hue 36 saal ki naukri karne ke baad mein san 2012 mein मई महीने में मैं रिटायर। ये हमारा मैत्री स्टेशन है। विंटर मेंबर्स जो ठहरते हैं वो इस स्टेशन में आके ठहरते हैं और दो तरह के मेंबर जाते हैं इसमें, समर मेंबर्स एंड विंटर मेंबर्स। विंटर मेंबर वो हैं जो यहाँ 16 महीना अपना गुजारते हैं और समर मेंबर वो लोग हैं जो यहाँ पर शॉर्ट टाइम के लिए 3 महीने 4 महीने के लिए यहाँ साइंटिफिक रिसर्च के पर्पज से जाते हैं। और इस साइंटिफिक रिसर्च वालों को क्योंकि यहाँ डेवलपमेंटल प्रोग्राम या कोई भी काम करना होता है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो उनको मैप की ज़रूरत होती है, तो ये लार्ज स्केल मैप की डिमांड उन लोगों की थी जो हम लोगों ने वहाँ पे 93-94 सीजन में हमने ये टेकअप किया। ये अन्नपूर्णा जो है ये किचन है, तिरुमाला ये जिसमें मैं रहता था तिरुमाला में, और ये एक्सपेरिमेंट के लिए लेजर एट्रोडाइन हट है, टॉयलेट्स हैं इधर, और ये एक प्रियदर्शनी लेक यहीं पर है जिसका फ्रेश वाटर जो है पंपिंग करके कम यहाँ पहुँचाया जाता है स्टेशन में और यही पानी फिर सबको पीने के लिए वो किया जाता है। तो एंटार्क्टिका बहुत ही इनहॉस्पिटेबल जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ऐसी जगह में रहने के लिए आप लोगों को किस किस टाइप की ट्रेनिंग दी गई थी, कैसे आपको तैयार किया गया था इस जगह के लिए? सबसे पहले जब हमारा सिलेक्शन हो गया उसके बाद में हमें ITBP का एक ओली में कैंप है जोशीमठ में, वहाँ पर 10 डेज की स्नो आइस क्राफ्ट ट्रेनिंग में भेजा गया। ट्रेनिंग हर तरह की ट्रेनिंग बर्फ में, बर्फ से संबंधित, जैसे क्रैम्पॉन पहन के कैसे बर्फ में चलना है, आइस एक्स को कैसे यूज़ करना है, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे करना है, कोई और गिर जाए तो उसको कैसे लेके कंधे में उठा के चलना है, ये सब ट्रेनिंग हमें वहाँ पर 10 दिन की ट्रेनिंग दी गई जाने से पहले, और उसी माहौल में कैंप करके रखा भी गया। हम लोगों को सबको गोवा में इकट्ठा होने का आदेश दिया गया था, तो हम लोग वहाँ पर 7 दिसंबर 1993 को हम लोग वहाँ पहुँचे और गोवा से अंटार्कटिका पहुंचने में हमें करीब 24 दिन का समय लगा। ये मैत्री स्टेशन के अंदर एक सर्वधर्म वो बना रखा है, स्पेस बना मैं वो किया हुआ जिसमें हर धर्म की मूर्तियां, मंदिर वगैरह फोटो रखी है वहाँ, पूजा जो भी जिस धर्म का आदमी जाके पूजा करना चाहे वहाँ वर्शिप कर सकता है ये। और ये एक रेयर फोटोग्राफ है ये वाला, ये हमारा जो फर्स्ट स्टेशन था दक्षिण गंगोत्री, ये अब आज उस 93-94 की डेट में ये 20 मीटर नीचे दब चुका था, 20 मीटर नीचे, लेकिन वो स्टेशन एज इट इज अंदर है, एग्जिस्ट कर रहा था उस टाइम, तो यहाँ तक जाने के लिए उन्होंने एक पैसेज रखा हुआ। हमारा जितना भी काम था सब ग्राउंड वर्क था,
लैब वालों का काम तो फिर भी लेबोरेटरी के अंदर कमरे में रह के काम करते थे वो लोग, लेकिन हमारा काम सारा ग्राउंड में होता था। तो ग्राउंड में जाते थे और दिन भर खड़े होके काम करना, और ठंड सहते थे खूब फेस में, इवन इतनी कई बार तो बर्फ के थपेड़े ऐसे आते थे डस्ट टाइप का, वो फिर फेस मास्क वगैरह पहनना पड़ता था। तो ऐसी जगह में मैंने भी डेली लाइफ के भी काफी ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप खाना कैसे पकाएंगे, आप चीजें गर्म कैसे रखेंगे, इवन समथिंग एज बेसिक एज कि आपको अगर टॉयलेट यूज करना है तो आप कैसे करेंगे, तो आपने इस सब चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करा? उस समय सारा इवन पुलाव रोटी, इवन रोटी भी जो है पैक्ड रोटी होती थी, ये सब पैकिंग में जाता था। वहाँ पर किचन में खाली इसको थोड़ा गर्म किया जाता था, नॉर्मल गर्म किया और खिला दिया, तो यही होता था खाने में, तो यही होता था। बाकी रही टॉयलेट की बात, की टॉयलेट की बड़ी सख्ती थी वहाँ पे, तो एक वहाँ पर ये सिस्टम था कि जितने भी मेंबर थे हम लोग, उनमें दो दो के ग्रुप में गैली ड्यूटी बोल के ड्यूटी लगाई जाती थी एक एक हफ्ते के लिए। तो वन वीक में दो आदमी, उनकी जिम्मेदारी थी कि किचन में जो फ्रीजर से खाना निकाल के वहाँ पहुँचाना और किचन में बर्तन वर्तन साफ करने में हेल्प करना उसका, और सुबह मॉर्निंग के टाइम में टॉयलेट को जलाना, ये सब काम होता था। तो टॉयलेट जाने के लिए सबसे पहली शर्त थी कि यूरिनल आपको बाहर जाना होता था अलग से, वहाँ नहीं कर सकते थे आप टॉयलेट में, क्योंकि वो जलाना होता था तो पानी वलने से फिर जलता नहीं था, तो यूरिन बाहर करके आना है यूरिनल में, फिर उसके बाद में वहाँ आके अपने जो नाइट सॉइल है उसको, करीबन 8:30 बजे टाइम था कि 8:30 बजे तक सब ने निपटना है। फिर 10 बजे से हमारी ड्यूटी शुरू होती थी, जो भी गैली ड्यूटी में होता था ढक्कन उठा के वो सारा उसको जलाना, इतना जलाते थे कि वो ऐश में चेंज हो जाए, फिर वो ट्रे को खींच के हम ड्रम में ले जाके डाल देते थे उसको, फिर कल के लिए तैयार हो जाता था कि ये कल। और उस दौरान 8:30 बजे के बाद में अगले दिन तक टॉयलेट जाने अलाउड नहीं था, मतलब कोशिश ये थी कि ना जाए, एमरजेंसी हो जाए तो वो जाने की बात अलग थी, लेकिन ये था कि ऑर्डर ये था कि 8:30 बजे के बाद में कोई टॉयलेट नहीं जाएगा। हाँ, आपने जो एंटार्क्टिका में टाइम स्पेंड करा, उसमें से सबसे यादगार मोमेंट आपके लिए कौन सा रहा पूरे टाइम? सबसे यादगार और सबसे जो टफ टाइम हमने काटा वहाँ पे, वो 3 फरवरी के दिन हम लोग जर्मन हट में गए थे। वहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों का कुछ काम था, दक्षिण गंगोत्री ग्लेशियर है एक, वहाँ पर उनका जो स्नॉट मूवमेंट का एक मॉनिटरिंग करनी थी, तो उसमें सर्वे ऑफ इंडिया उनके कोऑर्डिनेट्स देता था हर साल, तो वो काम इस साल हमको अलॉट हुआ था, तो नेचुरली हम लोग वहाँ गए उनके साथ में। वहाँ पे जर्मन हट में रात काटने के बाद में नेक्स्ट डे हम लोग काम पे गए, उनका काम भी पूरा कर दिया। उसके बाद में मैग्नेटिक ऑब्जर्वेशन करके एक काम हमारा सर्वे ऑफ इंडिया का अपना काम, ग्रेविटी ऑब्जर्वेशन और मैग्नेटिक ऑब्जर्वेशन, वो हम इंस्ट्रूमेंट अपना साथ लेके गए थे, उसको हमने नेक्स्ट डे के लिए शेड्यूल किया। मतलब 3 को हम गए, 4 को हमने GSI वालों का काम किया था सक्सेसफुली काम करके, हम लोग फिर रात आके वहीं जर्मन हट में काटा वहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट डे हमने जो मैग्नेटिक ऑब्जर्वेशन और ग्रेविमेट्रिक ऑब्जर्वेशन करने के लिए जब हम गए वहाँ पे, तो हमको 3 पॉइंट तो मिल गए जो पहले के पॉइंट थे हमारे। 3 पॉइंट मिलने के बाद में चौथा पॉइंट एक बच गया था, उस चौथे पॉइंट को हमने कहा जब हम इतने दूर आए हैं तो छोड़ना नहीं है इसको भी। फिर हमने दोबारा उसके जो डिस्क्रिप्शन थे उसको पढ़ने के बाद में हमने उसको ढूंढना चालू किया, और ढूंढते ढूंढते हम लोग करीबन 4-5 किलोमीटर दूर निकल गए। उसके बाद हम भटक गए वहाँ पे, क्योंकि डायरेक्शन का अंदाज़ा नहीं होता वहाँ पे आपको, तो हम 5 किलोमीटर भटके और वापसी हमें रही, जो वहाँ से वापस आना था, जो कि एक्चुअल पॉइंट से अगर हम वापस आते थे 3 किलोमीटर था वो जर्मनहट, लेकिन हम 7 किलोमीटर रात के टाइम में और बिल्कुल रॉकी टेरेन, जिसमें कि पैर, एक पैर रखना है तो दूसरा पैर देखना है आपने कि कहाँ रखना है, ऐसे नहीं कि आप वैसे चलते जाए, तो दूसरा पैर रखने से पहले देखना है कहीं लुढ़क ना जाए पत्थर, ऐसे टेरेन में 7 किलोमीटर चल के रात को करीब 12 बजे हम लोग उस कैंप में पहुंचे, तो बड़ी राहत की सांस ली हमने, और हमें लगता था कि हम भटक गए आज पहुंचेंगे नहीं हम लोग, लेकिन वो हम किसी तरह से हमने मैनेज किया। और वो मेरे लाइफ का सबसे यादगार इसलिए रहा कि उस दिन हमें अनसर्टेन हो गया था कि आज हम वहां पहुंचते भी हैं कि नहीं है। 140 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप, जो सबसे ठंडा, सबसे ऊंचा, सबसे शुष्क
वह सबसे अधिक तेज हवाओं वाले निर्जन व वीरान महाद्वीप की यात्रा का हर एक दिन एक नया अनुभव व रोमांच की अनुभूति कराता था। उन यादों को आज भी अपने एल्बम व डायरी के माध्यम से अपने आप को तरोताजा बनाए रखता हूँ। वापसी यात्रा के आरंभ होने से दो दिन पहले जहाज के रडर स्टॉक का टूटना हमारी यात्रा को और रोमांचक बना गया। किसी तरह जहाज को डरबन पोर्ट साउथ अफ्रीका तक ले जाया गया, फिर वहां से एयरलिफ्ट कर 4 अप्रैल 1994 को हमें भारत लाया गया।